उत्सव के माहौल के बीच 247 केंद्रों में प्रारंभ हुआ कोविड टीकाकरण महाअभियान। कोविड प्रभारी मंत्री रामकृष्ण पटेल ने हमारे पाटन रामनगर में किया वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ। वैक्सीनेशन के प्रदेशव्यापी महाअभियान का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोमवार की प्रातः 10 बजे सतना जिले के सभी 247 टीकाकरण केंद्रों पर शुरू किया गया। प्रदेश के पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री एवं सतना जिले के कोविड नियंत्रण मामलों के प्रभारी मंत्री रामकृष्ण पटेल ने विकास खंड अमरपाटन और रामनगर के टीकाकरण केंद्रों में टीका लगवाने आए हितग्राहियों को हल्दी टीका और माल्यार्पण से स्वागत कर महाअभियान का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री रामकृष्ण पटेल ने सबसे पहले ठीक 10 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन पहुंचकर महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर टीकाकरण के महाअभियान का विधिवत शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री ने अमरपाटन अस्पताल के टीकाकरण केंद्र में सबसे पहले टीका लगवाने वाले प्रशांत सिंह, अजय प्रभाव और चौराहा के राम विश्वास मिश्रा को हल्दी चावल का टीका लगाकर और माल्यार्पण का स्वागत किया। प्रभारी मंत्री पटेल ने अमरपाटन शहर के पुरानी बस्ती के टीकाकरण केंद्र में गणेश प्रसाद नामदेव और श्रीमती रीना को पहला टीका लगवाकर वैक्सीनेशन कार्य का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री ने रामनगर विकास खंड क्षेत्र में जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 8 के टीकाकरण केंद्र पहुंचकर भारती रावत और मधु रावत को अपने समक्ष टीका लगवाया। प्रभारी मंत्री ने इसके बाद सिविल अस्पताल रामनगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवराज नगर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झिगना के टीकाकरण केंद्र को अभी जायजा लिया। उन्होंने टीकाकरण केंद्रों पर आने वाले सभी हितग्राहियों को स्वागत करते हुए हौसला अफजाई की। प्रभारी मंत्री रामकृष्ण पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संपूर्ण देशवासियों को मुफ्त टीका लगाने की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन पर आज प्रथम दिन 10 लाख लोगों को टीका लगाने का प्रदेशव्यापी महाअभियान शुरू किया गया है। प्रदेश में सितंबर 2021 तक 70% हितग्राहियों का टीकाकरण पूर्ण कर कोरोना की तीसरी संभावित लहर को निष्प्रभावी करने का संकल्प लिया गया है। कोरोना का सबसे अगर कोई सुरक्षा का कवच है तो 100% वैक्सीनेशन है, इसलिए सब लोग निश्चित रूप से वैक्सीनेशन कराएं। बन ही जीवन है, जल ही जीवन है, वैक्सीनेशन ही आज के समय में जीवन है। आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर इस अभियान महाअभियान को पूरा करें। सतना जिला में आज 31,000 टीके दिए गए हैं। टारगेट तो 20,000 था, पर हमें लगता है आज 31,000 टीका लग करके सतना जिला, रीवा जिला, सारा पूरा मध्य प्रदेश टारगेट को अचीव करेगा। और देश में जिस तरह कोरोना संक्रमण को रोकने में मध्य प्रदेश मॉडल राज्य बना है, वैक्सीनेशन में भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में भी मॉडल राज्य बनेगा।